जय हिंद दोस्तों, हिनमन होम्यो हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप और आज होम्योपैथी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, 10 अप्रैल। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज ही के दिन जो होम्योपैथी के जन्मदाता थे, जिनको हम फादर ऑफ होम्योपैथी बोलते हैं, डॉक्टर हिनमन, जिनका पूरा नाम डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हिनमन था, उनका आज जन्मदिन है। बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि उन्होंने ही होम्योपैथी के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि एक नई पैथी बनाई जा सकती है। कुछ हटकर उन्होंने सोचा कि एलोपैथी या अन्य जो पैथी उस टाइम पे चल रही थी, उनके टाइम पे, यानी कि 1755 में उनका जन्म हुआ था, 10 अप्रैल 1755 को, 266 उनका ये इस बार जन्मदिन है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि होम्योपैथी की ओरिजिन वाली जो ईयर है वो 1796 है, तो 250 से भी ऊपर यहाँ पर उनके जन्मदिन को साल हो गए हैं। और उनके बारे में मैं आपको जन्म के बारे में कुछ बहुत ही रोचक तथ्य यहाँ पर बताऊंगा कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कैसे कैसे उन्होंने होम्योपैथी की खोज की, क्योंकि हमें उनके जीवन से सीखना चाहिए और उनके विचारों से सीखना चाहिए कि उनके मन में विचार ऐसा आया तो उन्होंने एक अपने आप में एक नई पैथी का ही ओरिजिन कर दिया, तो जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और आज हमें उनको याद करना चाहिए कि इतनी अच्छी पैथी हमको मिली है और इतने सारे डिजीजेस में ऐसे ऐसे डिजीजेस को क्योर कर चुकी है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो शुरू करते हैं। 10 अप्रैल 1755 को इनका जन्म हुआ था। इनके पापा जो थे वो एक पोर्सलिन पेंटर थे, जो कि क्रिश्चियन गॉटफ्राइड जिनका नाम था। इनके जीवन में 2 शादियाँ हुई इनकी। पहली जो इनकी वाइफ थी जोहाना हेनरिटी कुचलर थी और दूसरी जो वाइफ थी मैरी मेलिना डी हार्विली थी। 2 इनकी वाइफ रहीं। जो इनका पहला बेटा था उसका नाम था हेनरिटा। आगे बढ़ते हैं। जो पहले तो इनकी जो शिक्षा हुई 8 साल की, वो इनके प्रिंस स्कूल, टाउन स्कूल जो इनका था उसी में हुई। उसके लेकिन इनके पापा जो थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे स्कूल की जो शिक्षा थी, तो उनके जो स्कूल के रेक्टर थे मुलर, उन्होंने फ्री में शिक्षा देने के लिए हिनमन को राज़ी कर दिया। तो इनके पापा ने भी इनके लिए हाँ कर दी कि वो वहाँ से शिक्षा ले सकते हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी एडलांजन यूनिवर्सिटी से एमडी की शिक्षा कंप्लीट की, जो कि 4 साल बाद इन्होंने कंप्लीट कर ली थी अपनी एमडी। 24 से 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी एमडी जो है कंप्लीट कर ली थी। और जब ये 1770 में एक मेटीरिया मेडिका थी उस टाइम पर, कुलिंस मेटीरिया मेडिका, कुलिंस अपने आप में एक प्रोफेसर थे लंदन के। तो मैं आपको बता दूं अब यहाँ पर होम्योपैथी की ओरिजिन कैसे हुई थी। कुलिंस जो थे वो लंदन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, तो वहाँ पर उन्होंने मलेरिया को क्योर करने के लिए सिर्फ इस वजह से मलेरिया को क्योर किया था उन्होंने कि पेरुवियन बार्क एक मेडिसिन थी, तो उससे मलेरिया क्योर हो जाता है उसके बिटर टेस्ट की वजह से, और स्टमक पे उसका एक्शन था सिर्फ इस वजह से। तो हिनमन जी को, जो हमारे डॉक्टर साहब थे, उनको ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। उन्होंने जो थी पेरुवियन बार की डोज खुद से ली, उन्होंने जोखिम खुद उठाया, 4 ड्राम सुबह और शाम, दिन में 2 बार उन्होंने पेरुवियन बार की जो मेडिसिन ली, और वही सारे मलेरिया के सिम्टम्स, इंटरमिटेंट फीवर के सिम्टम्स उनको आने लगे। और साथ ही साथ इन्होंने कंटिन्यू रखा बाकी सारी मेडिसिन की प्रूविंग भी अन्य लोगों पर, अपने रिलेटिव्स, अपने घर वाले और अपने ऊपर भी, पता नहीं कितनी सारी मेडिसिन, अपने जान को जोखिम में उठाकर इतनी सारी मेडिसिन उन्होंने प्रूव की और होम्योपैथी की वहाँ पर 1796 में फाइनली ह्यूफलैंड्स जर्नल में उन्होंने अपना एसे जो है पब्लिश किया और वहाँ पर होम्योपैथी की जो है उत्पत्ति हुई 1796 में, जिसका प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। तो जो डॉक्टर हिनमन थे उन्होंने एक अलग सोचा, सही सोचा कि ऐसी एक पैथी बनाई जा सकती है जो कि परमानेंट और सही जेंटल वे में क्योर कर सके। तो आज हमें उन्हें याद करना चाहिए, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हिनमन को, उनको हमारा नमन है, समस्त होम्योपैथी वालों का नमन है जो होम्योपैथी से ठीक हो रहे हैं, जो इस जगत से जुड़े हुए हैं होम्योपैथी जगत से, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही अच्छा दिन है आज, इसलिए मुझे लगा कि इस पर वीडियो ज़रूर होनी चाहिए। तो हमें डॉक्टर हिनमन जो हैं उनके जन्म से अब तक पूरे लाइफ से हमें सीखना चाहिए। एक सीख ये भी मिलती है कि आप कुछ अलग सोचते हैं और सही सोचते हैं, अगर आप अपने मन में विचार लाते हैं तो आप ज़िंदगी में उस चीज़ को ज़रूर पा सकते हैं। तो ये था डॉक्टर हिनमन के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।